LAC पर हरकत और भारत का ऑपरेशन चीता, चीन की बुरी नजर और भारत का ऑपरेशन चीता, चीन ने कोई चालाकी दिखाई और भारत का ऑपरेशन चीता, थल सेना का चीन को जवाब, भारत का ऑपरेशन चीता, वायु सेना का चीन पर वार, भारत का ऑपरेशन चीता, नेवी की चीन पर मार, भारत का ऑपरेशन चीता। ऑपरेशन चीता अब चीन को बहुत भारी पड़ने वाला है। ये एक ऐसा प्लान है जिसे भारत की तीनों सेनाओं ने मिलकर तैयार किया है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर चीन बेहाल हो जाएगा। LAC पर तनाव जारी है। भारत ने साफ कर दिया है कि उसके झुकने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे में अब तैयारी शुरू हो चुकी है। हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम और एंटी टैंक मिसाइल टेक्नोलॉजी से लैस करने की और LAC से पार उठने वाली हर नापाक नजर को तहस नहस करने की। सशस्त्र बलों ने इस प्रोजेक्ट का नाम दिया है ऑपरेशन चीता। इजरायली हेरॉन ड्रोन ऐसा कमाल का हथियार है जिसका इस्तेमाल भारत की तीनों सेनाएं कर रही हैं। रही बात ऑपरेशन चीता की, तो ये भारतीय सेनाओं का एक पुराना प्रस्ताव है जो लंबे वक्त से रुका हुआ था। इस ऑपरेशन पर लगभग 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत तीनों सेनाओं के 90 हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन में और हवा से हवा में मार करने वाली एंटी टैंक मिसाइलों से लैस कर अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में सशस्त्र बलों के ड्रोन को मजबूत निगरानी सिस्टम से लैस करने का भी प्रस्ताव है। इससे भारतीय बलों को दुश्मन की स्थिति जानने में सहायता मिलेगी और इससे लैस हथियारों से जरूरत पड़ने पर उन्हें तबाह भी किया जा सकेगा। भारत के मध्यम ऊंचाई वाले और लंबी क्षमताओं वाले ड्रोन या अनमैन एरियल व्हीकल के बेड़े में इजरायली हेरॉन ड्रोन का जवाब नहीं है। हेरॉन ड्रोन्स को थल सेना और वायु सेना दोनों ने ही चीनी सीमा के पास लद्दाख सेक्टर में अग्रिम स्थानों पर तैनात कर रखा है। ये ड्रोन चीनी सेना के पीछे हटने की स्थिति को पुष्ट करने और गहराई वाले इलाकों में उनके द्वारा किए जा रहे निर्माण कार्यों की जानकारी देने में मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इन अपग्रेडेड ड्रोन्स का इस्तेमाल पारंपरिक सैन्य गतिविधियों और भविष्य में आतंक के खात्मे के खिलाफ भी किया जाएगा।